जो है सुपर नेचुरल थ्रिलर है, और जब थ्रिलिंग, जब थ्रिलर के एलिमेंट जो होते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो एलिमेंट हैं वो सिर्फ नेचुरल एलिमेंट नहीं है, सुपर नेचुरल एलिमेंट हैं। एक घटना घटित होती है, वो कहीं ना कहीं उस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए इस किरदार को, जो किरदार हम प्ले कर रहे हैं, इस किरदार को अपॉइंट किया जाता है। अब मिस्ट्री यही है कि वो किरदार नेचुरल होते हुए सुपर नेचुरल एलिमेंट के साथ कैसे उस मिस्ट्री को डील करता है या सॉल्व करता है। Luckily, one of them was my brother, the newcomer, so it was easy to handle him, and he was very cooperative. And the senior actors, I mean, bless us, they were like amazing. I mean, they treated me with love. I never had a problem getting any idea across to them. You know, they were amazing. You know, I mean, they listened to what I said. They gave suggestions. It was a very like family type relationship. I'm playing a fashion photographer who is very curious, but he's also, I wouldn't say dumb, but लेकिन वो ज़्यादा नहीं सोचता है. He just goes into something and just does it. And I think he's a very curious character, but very weak and always has to have help. And he's not a hero. So इस हिसाब से I like. He's a very good actor. मैं रायल पद्मसी की प्ले आती थी, Let's Talk Honey, बहुत चली थी. वो प्ले में ये हीरो थे, और क्लॉग आर्टरीज करके एक प्ले था, उसमें ये हीरो थे. तो और इनकी ख्वाहिश थी कि मेरे ही एक्टर बनना है, हीरो नहीं एक्टर बनना. तो इसमें एक्टर हैं, हीरो नहीं. अब हिंदी फिल्म के क्रोनोलॉजी में या हॉलीवुड के, बॉलीवुड के बातों में ये बोल सकते हैं कि ये हीरो है, बट फिल्म एक्चुअली हीरो है, फिल्म की कहानी हीरो है. सुरेश जी ने पहले भी काफ़ी सारी फिल्में बनाई हैं, तो उनको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, और उनका म्यूज़िक का टेस्ट बहुत अच्छा है, म्यूज़िक को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, और उनके साथ में काम करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा. जिया सेन खूबसूरती इतनी है कि उनकी मोहब्बत में किरदार का पड़ना आवश्यक ही है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक हल्का सा लव इंटरेस्ट तो उसमें आपको नज़र आएगा. डिस्क्राइब दिस फिल्म स्ट्रेंज. मैं बोलूँगा ये लव स्टोरी है, लेकिन इसमें बहुत सारे स्ट्रेंज एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे स्ट्रेंज एलिमेंट्स हैं, तो इस हिसाब से इट्स स्ट्रेंज लव स्टोरी. इसमें जो करेक्टर है हमारा, वो निश्चित रूप से एक ऐसा किरदार है जो अभी तक हमने किया नहीं है.